हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। करवा चौथ 20 अक्टूबर सुबह 6:22 से शाम 7:55 तक है। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 33 मिनट की है। करवा चौथ का विशेष महत्व, इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निजरा व्रत रखती और शाम को चंद्रमा देख के ही व्रत खुलती। इस व्रत को कठोर व्रत जाना जाता है। करीब 12 घंटे तक निजला रहना पड़ता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल भी करवा चौथ व्रत का श्री गणेश कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का प्रारंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगा और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त पर होगा। करवा चौथ की तिथि चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत प्रारण किया जाता है, जो कि 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। करवा चौथ को सुबह 6:22 से शाम 7:55 तक रखा जाएगा। करवा चौथ का पूजा शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:45 से लेकर शाम को 7:01 तक रहेगा। करवा चौथ का महत्व, अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जिन लड़कियों की शादी तय नहीं हो रही है वो भी इस व्रत को रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती और शिव जी की करवा माता की पूजा करने के साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मानती हैं। करवा चौथ के दिन हमें भूल से क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से सूर्य सर्गी करते हैं और दूसरे दिन अन्न जल ग्रहण का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लगेगा। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, इसलिए उस दिन स्वयं उपयोगी की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को भी ना करें। करवा चौथ व्रत में सूर्योदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देकर ही पति के हाथों से जल पिया जाता है। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा किए बिना, अर्घ दिए बिना ये गलती ना करें। शहर में हो तो भी आप ज्योतिषी उपाय करके ही चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें, और अगर पति विदेश में रहते हैं और कहीं दूर हो तो उनकी फ़ोटो देख के ही व्रत को तोड़ें। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को उस दिन सोना नहीं चाहिए। व्रत रखने से सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और निष्फल हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सो सकती हैं। करवा चौथ वाले दिन आप भूल के भी काले रंग का उपयोग ना करें, ना काला वस्त्र पहने, ना काली चूड़ियाँ, इस सबसे आप दूर रहें। करवा चौथ की पूजा उस व्रत बिना अधूरी होती है। आप कृपया अगर आप अकेली हैं तो भी आप करवा चौथ की पूजा करें और पूरी सामग्रियों को आप दान दें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। यदि आपकी सास ना हो तो आप किसी ऐसी औरत को दे सकते हैं या पंडित की बीवी को भी आप जाके करवा चौथ की सामग्री दान कर दें। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाते हैं। कहते हैं कि बिना 16 श्रृंगार व्रत अधूरा माना जाए। इस दिन काला, नीला या सफ़ेद कुछ भी पहनने से बचना चाहिए। इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत लाभकारी होता है। करवा चौथ का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाए, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस या शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन पति से विवाद नहीं करना चाहिए और ना किसी प्रकार का अनादर करना चाहिए। करवा चौथ के दिन कुछ खास उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। करवा चौथ के दिन 5 या 11 हल्दी की गांठें लाल कपड़े में रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। अगर आपके सिर पर कर्ज का बोझ है तो करवा चौथ के दिन भगवान गणेश जी को घी और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। फिर भगवान गणेश की प्रार्थना करें कि और पूजा के बाद गाय को हरी को यह घी और गुड़ खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। आर्थिक तंगी के लिए करवा चौथ पर 5 या 11 हल्दी की गांठें लाल कपड़े में बांधकर भगवान गणेश को अर्पित। मानते हैं कि ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और तंगी से छुटकारा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपके सिर पर कर्ज का बोझ है तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। फिर गणेश जी से प्रार्थना करें और
तो जिससे आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ के दिन आपको 21 गुड़ की गोलियां भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको मेरा और दूबा घास भी अवश्य चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा।